सोना में जो भी अवैध कब्जे हैं उनके तहत हमने सेक्शन पीएलपीए सेक्शन 4-5 के तहत हमने नोटिस दिए हैं। बजट उपलब्ध होगा हम तुरंत पैमाइश करके और अवैध निर्माण को गिरा के वन भूमि को कब्जा मुक्त करवाएं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कुंडी मारे बैठे लोगों पर जल्द ही वन विभाग का बुलडोजर चलने वाला है, जिसे लेकर वन विभाग ने अपनी आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें सोहना नगर परिषद एरिया के अधीन आने वाले वार्ड नंबर 12 की नट कॉलोनी, पहाड़ कॉलोनी सहित अन्य वार्ड मोहल्ले सहित कई गाँव भी शामिल है, जहाँ पर कई वार्ड पार्षदों ने जहाँ अपना कब्जा जमाया हुआ है, वहीं वोटों के लालच में अपने चहेते लोगों का कब्जा कराया हुआ है। इनमें से एक वार्ड पार्षद तो ऐसे हैं, कहीं उसकी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, तो कहीं पर तार फेसिंग करके पशु बांध रखे हैं, जिनको वन विभाग की तरफ से साल 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पीएलपीए एक्ट के तहत जमीन को खाली करने के लिए नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन अवैध कब्जाकर्ताओं ने अभी तक भी कब्जा जमाया हुआ है और धीरे धीरे वहां अपने पैर पसारते हुए जा रही है। हालांकि उस समय मामला मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचने के बाद ठंडा पड़ गया था, लेकिन वन विभाग ने एक बार फिर से दोबारा से वन विभाग की सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाने के लिए विभागीय उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर पैमाइश के लिए बजट की मांग की है। जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही पैमाइश कराकर अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सर, सोना में जो अवैध कब्जे हैं इनको लेकर किस तरीके की आगामी कार्रवाई विभाग की और क्या कार्रवाई अभी तक इनके ऊपर की गई है? सोना में जो भी अवैध कब्जे हैं उनके तहत हमने सेक्शन पीएलपीए सेक्शन 4-5 के तहत हमने नोटिस दिए हैं। नोटिस देने वाले स्थान है पहाड़ कॉलोनी है, आईटीआई कॉलोनी है और एक पीर कॉलोनी और ठाकुरवाड़ा मोहल्ला जी। इनके अलावा हमने अलीपुर, घामरोज, भोंडसी, अभेपुर आदि गांवों में भी नोटिस दिए हैं। आपको दिखाई दे रही इस भूमि का अधिकतर हिस्सा वन विभाग का है, जहां पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा जमाया हुआ है, तो वहीं कुछ लोगों ने पहले तो इस भूमि पर अवैध कब्जा किया और फिर उन गरीब लोगों को बिना कोई रजिस्ट्री कराए अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी जमीन को बेच दिया। जिनके पास सर छिपाने के लिए छत नहीं थी, गरीब और अनपढ़ लोगों ने सस्ती जमीन के लालच में आकर यहां पर अपने जीवन की गाड़ी कमाई तो लगाते हुए घर भी बना लिए और परिवार के साथ रहने भी लगे। लेकिन अब वन विभाग की तलवार उन लोगों के आशियानों पर लटकी हुई है जिन्होंने जमीन को बिना रजिस्ट्री कराए ही खरीद लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक किसी भी उस व्यक्ति ने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई है जिन्होंने अवैध कब्जा करके सरकारी जमीन को बेचने के लिए उन गरीब लोगों को अपने चंगुल में फंसाया था। ऐसे में जरूरत है यहाँ पर रहने वाले लोगों को उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की जिन्होंने सस्ती जमीन देने का प्रलोभन देकर सरकारी जमीन को बेचा था, ताकि सरकार गरीब लोगों को मकान देने के लिए कोई योजना तैयार कर सके। ये नोटिस हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो भी पीएलपी सेक्शन 4-5 के अधीन जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र है और उस वन क्षेत्र को कब्जा मुक्त करवाया जाए और उसमें जो भी निर्माण है उनको गिराया जाए, तो हमने उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सबको ये नोटिस दिए हैं। आगामी कार्रवाई क्या है जी इसमें? आगामी कार्रवाई के लिए हमने उच्च अधिकारियों को लिख दिया है, बजट की मांग की है, क्योंकि पैमाइश के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जैसे ही हमें बजट उपलब्ध होगा हम तुरंत पैमाइश करके और अवैध निर्माण को गिरा के वन भूमि को कब्जा मुक्त करवाएंगे। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरीदाबाद के खोरी वन क्षेत्र से अवैध कब्जों को हटाने के लिए आदेश पारित किए गए थे, जिन आदेशों के तहत वन विभाग की तरफ से पीएलपीए एक्ट के तहत एक सप्ताह के अंदर जमीन को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन मामला मुख्यमंत्री के दरबार तक जाने के बाद ठंडा पड़ गया था, जिसको लेकर एक बार फिर वन विभाग की तरफ से इस मामले की कार्यवाही शुरू की गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या वन विभाग अवैध कब्जे को मुक्त करा पाएगी या फिर पहले की तरह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हरियाणा वरदान के लिए सोना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।